उस समय बीएसएफ के जवानों ने ये कार्रवाई की थी। बीएसएफ के जवानों की रिपोर्ट के आधार पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था और वहाँ पर फिर ये गिरफ्तारियाँ हुई थी और सुखदर्शन सिंह काफी समय से। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। सुखदर्शन सिंह ने आज समर्पण किया है और ये पूरा मामला ये था कि पाकिस्तान और जो राजस्थान की सीमाएं हैं उससे अवैध हथियारों का आदान प्रदान हो रहा था। तो उस समय बीएसएफ के जवानों ने ये कार्रवाई की थी। बीएसएफ के जवानों की रिपोर्ट के आधार पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था और वहाँ पर फिर ये गिरफ्तारियाँ हुई थी और सुखदर्शन सिंह काफ़ी समय से करीबन 93 से फरार घोषित था और वो न्यायालय से बचता जा रहा था और इसके घर से भी असला बारूद बरामद हुए थे जिसमें AK-47 भी थी और हमारे द्वारा लगातार यहाँ से पत्र व्यवहार किया जा रहा था। अभी 6/9/2000 को भी मैंने एक DGP साहब को भी लेटर लिखा था और उससे पूर्व भी कई लेटर मेरे द्वारा गढ़साना थाने को लिखे गए थे, SP को लिखे गए थे। उसके बाद इस गिरफ्तारी की आशंका से बचते हुए आज इन्होंने आत्मसमर्पण किया है न्यायालय। आज न्यायालय ने क्या आदेश दिए? न्यायालय ने जिसी किया है और आगे जो प्रकरण चलेगा वो ट्रायल की व्यवस्था चलेगा। आपका नाम? ब्रजेश कुमार पांडे, विशिष्ट लोक अभियोजक, टाटा कोर्ट, अजमेर।